मुंबईच्या खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रातील कोळसा हाताळणी विभागात स्टॅकर रिक्लेमर मशीनच्या काउंटर वेट खाली असल्याने कॅबिनमधील दोन कामगारांचा दबून मृत्यू झालाय. संतोष मेश्राम तंत्रज्ञ आणि मेसर्स एम एफ जैन कंत्राटदाराचा कंत्राटी कामगार प्रवीण शेंडे असे दगावलेल्या कामगारांची नावे आहेत. ही घटना 18 ऑगस्ट रोजी पहाटे 1:50 घडली. घटनेची माहिती मिळताच वीज केंद्राचे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. घटनेचे नेमके कारण जबाबदार याची चौकशी करण्यात येणार असून प्रथमदर्शी ज्या ठिकाणी हा अपघात घडला तेथील 3 अभियंत्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची कारवाई सुरू आहे. अपघातात मृत्यू झालेल्यांच्या परिवारास नुकसान भरपाई देणार असल्याचे मुख्य अभियंता राजू घुगे यांनी कळवले. कल खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन में बहुत दुखदायक तकलीफदायक घटना घटित हुआ. खापरखेड़ा प्लांट के अंदर में 500 मेगावाट के अंदर में एक कोल ट्रैकर मशीन थी. कोल ट्रैकर मशीन के बारे में अधिकारियों को लिखित वहां के कर्मचारियों ने दिया हुआ था. जो संतोष मिश्राम बहु है और प्रवीण सेंडे का कल डेथ हुआ, संतोष मिश्राम और उनके 3 साथियों ने लिखित रूप से दिया हुआ था प्लांट में अधिकारियों को कि कोल ट्रैकर मशीन खराब है. कोल ट्रैकर मशीन जब तक ठीक नहीं होता उसको चलाना खतरों से खाली नहीं है. 6 तारीख का लेटर दिया हुआ है, फिर भी अधिकारियों ने जबरदस्ती अपने रिस्क पे मशीन को चलवाया, जिसके कारण 2 कर्मचारियों का, हमारे गांव का खापरखेड़ा का प्रवीण शेंडे जी और मेश्राम संतोष मेश्राम को जो कुराड़ी देते उनका कल डेथ हो गया. यदि पुलिस खापरखेड़ा थाने ने उसके दोनों मजदूरों के हत्यारों को, मैं हत्या ही बोलूंगा क्योंकि कैसा है, जबरदस्ती उन्होंने काम कराया, हत्यारों को यदि गुना दाखिल नहीं करते तो हम खापरखेड़ा प्लांट को चलने नहीं देंगे. चाहे उसके लिए जो करना पड़े हम करने को तैयार है, क्योंकि उसने 6 तारीख को अपनी मौत का डेट लिख कर दिया था कि मशीन खराब है और अधिकारियों ने जबरदस्ती मशीन चलवाया. मैं आज पूरे कर्मचारियों के साथ में खापरखेड़ा थाने को डेपुटेशन दे रहा है कि उसके ऊपर में गैर इरादतन हत्या का मामला दाखिल होना चाहिए, हत्या का मामला दाखिल होना चाहिए, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं. चाहे जो भी उसका दोषी उस पर कार्रवाई होगी. इस क्षेत्र के आमदार सुनील बाबू केदार को भी हमने इसके बारे में जानकारी दिया, उन्होंने बोला इसको इंक्वायरी बिठाया जाएगा, लेकिन हम सारी मांग है कि राज्य सरकार ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.